इन्वेस्ट करने के लिए। इसमें क्या रवि भूषण जी हैं अपने साथ में, वो मुझे सब बताया कि भाई ऐसी ऐसी स्टोरी है, मुझे अच्छा लगा। और मेरा एक छोटा लड़का भी है, अच्छा, तो उसका भी रोल उसमें उन्होंने दिया है, बोले बहुत बढ़िया लगा है। तो इस सब से तो सबसे पहले आप बताइए ये कि आपका क्या बैकग्राउंड है, आपने बारे में कुछ बताइए, कहाँ के हैं, क्या बिजनेस है। मैं यूपी फतेहपुर का हूँ। हाँ, मैं यूपी फतेहपुर का हूँ और मेरा सूरत में डाइंग मिल है। अच्छा। और मुझे रवि जी मिले जी। और मेरे निर्भय जी हैं जी। उन्होंने रवि भूषण जी से मिला है मुझे जी। वो हिसाब से बातचीत हुआ, बोले अच्छा फिल्म तो, बोले ठीक है इसमें इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ। फिल्म निर्माण का जो क्षेत्र होता है बहुत रिस्क वाला होता है, खासकर भोजपुरी फिल्म की बात करें तो। क्या सोचते हैं कितना बड़ा चुनौती होगा इस फिल्म को निर्माण करना? वो तो ठीक है, लेकिन अभी कोशिश कर रहे हैं भाई, अच्छी फिल्म है और इस हिसाब से खर्चे कर रहे हैं। बकुल जी कहते हैं प्रोड्यूसर उम्र से बूढ़ा नहीं होता है, पैसे दे देकर बूढ़ा हो जाता है। आपकी तो उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं है, आपको लगता है पैसे बांटना बड़ा जिगरा चाहिए इसके लिए, रिस्क लगाना? ये ठीक है, लेकिन अभी क्या कमाते हैं इसीलिए भाई, खर्चा होगा तभी कमाएंगे। अच्छा, मतलब आप फिल्म बनाने के लिए कमा रहे थे, अब इसके बाद फिर से फिल्में बनाएंगे? नहीं, अभी बनाऊंगा, इसमें भी चांस मिलेगा। उसने के साथ में पीछे दो पिक्चरें हैं, अभी उन्होंने बोला है कि भाई पीछे और करना है। आपको कभी खुद नहीं लगा कि आपको खुद भी एक्टिंग करनी चाहिए, पर्दे पे आना चाहिए? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगा। क्यों नहीं? एक आध हीरोइन के साथ डांस वांस करते हैं, मेरा लड़का निकल जाए बस, उतना ही बोलते हैं। अच्छा, लड़के को हीरो बनाना चाहते हैं, वही सपना है आपका? जी जी। किसके जैसा बने बेटा, कौन सिंह के जैसा, खेसारी लाल के जैसा? मेरा तो कल्लू भाई जैसे, कल्लू जैसा बन जाए तो मतलब, लेकिन गोरा चिट्टा रहे थोड़ा। हाँ, गोरा चिट्टा तो वही है, बोलने में थोड़ा कमजोर है। बोलेगा बोलेगा। रवि जी, हम नई फिल्म के बारे में यहाँ बात करने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं, जरा नाम से बताइए फिल्म के और क्या इसमें कहानी होगी, क्या नयापन होगा, जरा बताइए। कास्ट एंड क्रू भी बता देंगे तो बेहतर होगा। सबसे पहले तो हम तमाम भोजपुरिया भैया लोग के हम प्रणाम करते हैं और साथ ही सभी मीडिया वाले हमारे भाई लोग, उन लोग को भी नमस्कार है। बार बार रूबरू होता रहूँ मैं आप लोगों से, और हमारी फिल्में पीछे भी हैं काफ़ी जो रिलीज हो चुकी हैं, और अभी एक नई दिशा मैंने सोची है कि भोजपुरी ट्रेंड में लाया जाए, कुछ हटके कुछ किया जाए। सभी लोग हटके कर रहे हैं, अभी दिनेश जी की भी पिक्चर बॉर्डर रिलीज हुई है, बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। तो उसी लक्ष्य पे चलते हुए मैंने उसको एक कदम और आगे बढ़ाना चाहा है। मल्टी स्टार फिल्म हमारी होगी, इसमें 7 हीरो हैं, 7 हीरोज़ जो पहली बार जो इंडस्ट्री के एक बार इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। यहाँ तो 2 को संभालना बड़ी मुश्किल होता है, अब आप समझ सकते हैं कि 7 को मैं कैसे संभाल रहा हूँ। 4 हमारी हीरोइन भी हैं इसमें इनके साथ। ये फिल्म हमारे देश प्रेम से उत्पूत है। अभी जो लोगों के मन में जो पुरानी चीज़ें, आज़ादी हमारी कम से कम आज जो है 68 साल हो चुके आज़ादी के, और उस चीज़ को लोग भूल चुके हैं कि हमको आज़ादी मिली कैसे थी। तो एक रिवाइव है, एक लोगों को जो है याद दिलाना है कि भाई इतनी आसानी से मुझे आज़ादी नहीं मिली थी, हमारी कुर्बानियाँ जो उस समय लोगों ने दी थी उनको याद करो और उस चीज़ को अब आगे बढ़ाओ। कभी भी हर चीज़, हर बात जो हमारे सैनिकों पर आधारित नहीं, हमारे सरकार पर जो है, आप निर्भर मत रहो। आम आदमी का भी कुछ कर्तव्य होता है, और ये आम आदमी जब जुड़ेगा इससे, जब इस मुद्दे को, जैसे आतंकवाद का मुद्दा है आज बॉर्डर समस्या है, आज तमाम सारी चीज़ें हैं जो अचानक से एक राक्षस के तरह पैदा हो जाती हैं और हम लोग को भुगतना पड़ता है कभी कभी। अभी देखें यहाँ का, अभी जो ताज पे हमला हुआ था, आतंकवादियों ने घुस के कर दिया, 26/11 वाला था मामला। ये क्यों हो रहा है? एक आम आदमी जब सजग होगा, हम अपने से जब रूबरू होंगे तो फिर कुछ नई बात बन सकती है। सारी चीज़ें हमारी सरकार और फौजें नहीं कर सकती। मेरा ये कहना है, क्या कसम तिरंगा की जो फिल्म है, क्या ये आज़ादी के पहले वाले हिंदुस्तान की कहानी होगी या किसी लड़ाई के, 1947 के बाद जो लड़ाइयाँ हुई हैं 3-4 पाकिस्तान और चीन के साथ, क्या उनमें से किसी कहानी को दर्शाया जाएगा? ये ना वो 1947 की आज़ादी की लड़ाई हमारी होगी, ना कारगिल की लड़ाई हमारी है। ये उन सबों से कुछ लेना देना नहीं है, उस चीज़ को बहुत कोशों में दूर हूँ। मैंने इस फिल्म में बस एक ही लकीर खींचनी चाहिए है कि कुछ समस्याएं जो अनचाही पनप रही है,
जिसको कि हम चाहते नहीं हैं, हमको ज्ञान भी नहीं होता है कि कब वो चीज़ें पनप जाती हैं। जैसे मैंने आतंकवाद का मुद्दा लिया है, अब आतंकवाद का कहते हैं कि हम जिहाद कर रहे हैं, जिहाद हमारा धर्म है, हम जिहादी हैं, तो जिहाद तो ठीक है, एक जगह से जिहाद का मतलब भी वो समझते हैं कि नहीं समझते हैं, बहुत कम लोग समझते हैं, लेकिन उसके आड़ में जो ये आतंकवाद एक बिजनेस जो बनाया जा रहा है ना, इस मुद्दे के खिलाफ जो है अभी वर्तमान में जो समस्याएं पनप रही है, वर्तमान की कहानी है, कोई बहुत पुरानी घिसी पीटी जो चीज़ मैंने नहीं उठाई है, और आम आदमी मिल के इसके खिलाफ लड़ते हैं, और अब देखिए आगे फिल्म में भी समझ में आएगा। वो सब पुराने चेहरे हैं हमारे, रवि किशन जी हैं, विराज भट्ट हैं, कल्लू हैं, राकेश हैं, उसके बाद समर सिंह हमारे यूपी के बहुत टॉप सिंगर हैं, समर सिंह जी हैं, निर्भय तिवारी सूरत के बहुत अच्छे सिंगर हैं, उनको भी मैं अभी इंट्रोड्यूस, उनकी पहली फिल्म होगी। उसके बाद जो है घनश्याम जी हमारे मिथिला के बहुत अच्छे गायक हैं, और फिल्में भी मिथिला की चली है उनकी, घनश्याम जी, घनश्याम झा की, वो भी हमारी फिल्म में हैं। और एक बड़ा स्टार है जो मैं अभी नहीं खोलना चाहूँगा इस पिक्चर में, जो हमारे साथ ऑलवेज हमेशा काम किया है उस आदमी ने, तो पवन सिंह की तरफ इशारा हो रहा है? पवन सिंह ने नहीं, मैंने दिनेश जी के साथ भी काम किया है सर, मनोज जी के भी साथ काम किया है मैंने, तो दिनेश या पवन में कोई हो सकता है, तो बिग स्टार हमारे भोजपुरी के भी हैं, वो स्टार में है भी नहीं, मैं अगले इंटरव्यू में जरूर खोलूंगा दर्शकों के सामने। जरा हीरोइनों के बारे में बता दीजिए रवि, जो चार हीरोइनें आपने बताई हैं। चार हीरोइनें हमारी हैं, और हमने हमेशा हीरोइनों के प्रति हमेशा नया कुछ करने का कोशिश किया है, क्योंकि वही चेहरा देख बहुत लिमिट, हीरोइन तो हमारे यहाँ भी लिमिट है, हीरो भी बहुत लिमिट है अली खास, तो हीरोइनों के मद्देनजर मैंने ये सोचा है कि अगर नई को लेकर कोशिश की जाए तो हम जो चाहते हैं वो चीज़ें भी निकल पाएंगी, और पुरानी हमारी आर्टिस्ट इतनी व्यस्त हैं, अब एक एक हीरोइन पांच पांच फिल्में जो कर रही हैं, कहाँ से डेट्स होगा, डेट्स के प्रॉब्लम, और हमारी फिल्म ऐसी है कम से कम 45-50 डेज का शेड्यूल है, जिसमें 15 दिन का शेड्यूल मैं कर चुका हूँ, 15 दिन ये फिल्म में कर चुका हूँ जी हाँ, जिसमें कल्लू जी ने, रवि जी ने, विराज जी ने, और हमारी तीन हीरोइनों ने, और सब भी कास्ट जो है, जैसे विलेन के थे हमारे विनोद त्रिपाठी जी हैं वगैरह, सभी लोगों ने इसमें इस शेड्यूल में थे हमारे साथ, 15 दिन शेड्यूल कर चुका हूँ मैं, तकरीबन अभी शेड्यूल हमारा 30 से 35 दिन का शेड्यूल, हम यूपी जा रहे हैं जी, यूपी में मिर्ज़ापुर होगा, बनारस है, और वो पार्ट यूपी का जो कि उत्तरांचल से सटा हुआ है, यानी कि हल्द्वानी उल्द्वानी वाला जो हमारा एरिया वो होगा, और कोशिश करूँगा कि कुछ पार्ट जो है ना मैं झारखंड में भी शूट करूँ, क्योंकि झारखंड भी मैच करता है हमारे लोकेशन से काफ़ी, क्योंकि पहले मेरा लोकेशन नेपाल था, मैंने नेपाल सोचा था, लेकिन चूँकि क्या है कि इंडियन फिल्म है और मैं चाहता हूँ कि इंडिया में बने तो बहुत अच्छा है। रवि जी कब तक तैयार होकर सिनेमा घरों में आ सकती है फिल्म? फिल्म देखिए सर, यहाँ तो 3 महीने में फिल्म लोग रिलीज़ करते हैं, मुझे स्क्रिप्टिंग करने में कम से कम 1 साल लग गए हैं, अभी गाने तैयार है, ओम झा जी म्यूजिक डायरेक्टर हमारे हैं, रवि चंद्रन जी जैसा कैमरामैन हमारे पास है, तो अभी शेड्यूल में अगले मंथ में स्टार्ट कर दूँगा, फर्स्ट वीक से जहाँ तक मैं सोचता हूँ, अगर बारिश का कुछ ऐसा नहीं हो, क्योंकि बीच में बारिश भी है, इसके पीछे गर्मी थी, तो ये कुछ लंबा शेड्यूल है, कम से कम 30 से 35 दिन का शेड्यूल मेरा है, और एक जगह पे नहीं है, थोड़ा सा लोकेशन वेरिएशंस लोकेशंस हैं इसके, तो उसको देखते हुए मैं करूँगा, हमारा टारगेट वही है, मैं दुर्गा पूजा के इर्द गिर्द में आऊँगा जी। एक बड़ी अहम चीज़ है इस फिल्म में, एक किरदार ऐसा है जो हमारा चाइल्ड आर्टिस्ट है, जो बोल नहीं पाता है, आपने इसके पहले भी मनीष लाल यादव हमारे पार्टनर जो है उनका लड़का है, और बड़ी सोच समझ के मैंने उस कैरेक्टर को कास्ट किया है जी, काफ़ी डरा हुआ, काफ़ी समझ लीजिए कि न बोलने वाला, जो भी चीज़ें वो बोलना चाहता है वो हकली ज़ुबान में बोलता है, लोग समझ नहीं पाते हैं, और ये छोटा उम्र का लड़का जिसकी उम्र जो है 8 से 10 साल है, वो पूरे यूनिट को इकट्ठा करता है, हमारे आम आदमियों में से कोई पुलिस से जो है, अब वही लोग इसमें हैं जो सर्विस होल्डर भी कभी रहे हैं, जैसे रवि किशन फौज में थे, फौज से रिटायर होने के बाद उनके साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं कि वो कहते हैं कि हमने तो बॉर्डर के
दुश्मनों से बहुत लड़ाई की, लेकिन जो अंदर छुपे हुए जो कीड़े हैं उनको साफ करना ज़रूरी है। विराज भट्ट हमारे फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, बहुत अच्छा, बड़ी ही समझ लीजिए कि साहसी इंस्पेक्टर पुलिस ऑफिसर है, रेंज ऑफिसर है, लेकिन उसको किसी षड्यंत्र में फंसा के जो है उसको डिसमिस कर दिया जाता है। उसके बाद वो भी रवि का दोस्त होता है, रवि जी के दोस्त होते हैं, दोनों मिल के एक फौज बनाते हैं जिसमें कल्लू पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं, इनके ऊपर भी दाग लगा के इनको निकाला हुआ है। बाकी कम से कम चार लोग जो होते जो आम शहरी हैं, इसमें से एक कैरेक्टर समर सिंह जो है फौज का है, जो अपनी बहन की शादी में आता है और उसी दिन उसकी बहन का रेप और उसके मगेदर का दोनों का रेप करता है, तो वहाँ का प्रधान का लड़का और उसके साथ मुठभेड़ में वो लोग मारे जाते हैं, इसको फौज से जो है निकलना पड़ता है और ये अपने फ्रस्ट्रेशन को मिटाने के लिए कहीं ना कहीं इसको एक किनारे की ज़रूरत होती है और वो फौज ज्वाइन करता है। तो ये मिल के एक आर्मी बनाते हैं, आर्मी बनाते हैं और उन लोगों के खिलाफ जो कि ढोंगी लोग हैं, जो चाइना बॉर्डर पे, पाकिस्तान बॉर्डर पर अपनी दुकान खोल के बैठे हैं, आतंकवाद सिखाते हैं, वहाँ से जो ड्रग्स सप्लाई करते हैं, वहाँ से आर्म सप्लाई करते हैं, वहाँ से बारूद सप्लाई करते हैं, तो ये इनको मालूम है कि अगर ये चीज़ यहाँ पे बंद की जाए तो हमारा बहुत कुछ हो सकता है। और वो नकली ढोंगी लोगों के खिलाफ जो है ये सब अपना जो है मिशन स्टार्ट करते हैं और उसमें कामयाब होते हैं, लास्ट में वो सभी क्लाइमेक्स बनता है जिसमें बड़ी स्ट्रगल के पास उस चीज़ को ख़त्म किया जाता है। ये मेरा मनीष इधर, ये मेरा स्टार है, इसका मनीष लाल यादव बोलेगा कुछ नहीं, बस आंखों से जो कुछ भी करना होगा ये कर देगा, जरा बोल के देगा, आंख देखी बे दीदा फाड़ दे, दीदा फाड़ दे, धास के झंडा छाती फाड़ दे, धास झंडा छाती फाड़ दे, अब क्या बात है, रो के दिखा करता है अभी। मैं ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और मैं दर्शकों से अपने और अपने सारे जितने भी व्यूअर्स हैं सबसे मैं ये प्रॉमिस करता हूं कि आप देखिएगा फिल्म में मैं क्या इसको बना के लाऊंगा। अभी आपने इसको देखा, फिल्म के बाद और, देखेंगे एक बार। और आप देखेंगे, बहुत खुश करूँगा। थैंक यू, ठीक है, सबको नमस्ते करो, आप लोग बोलो, आप लोग पिक्चर जरूर देखिएगा, मेरे आप लोग पिक्चर देखना, पिक्चर नाम बताओ, क्या नाम है आपका? आप कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हो, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट में पढ़ते हो। आप पिक्चर में काम कर रहे हो, आप कुछ बताना चाहते हो इसके बारे में? इधर देखिए अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। आपके पापा बोल रहे थे कि आप बहुत बदमाशी करते हो, करते हो बदमाशी घर में, क्या क्या करते हो? खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, मैच खेलते हो, क्रिकेट वाला क्या करते हो, बैटिंग करते हो? बोलो मुझे, चेतता हूं। और आपको खाने में क्या अच्छा लगता है मनीष? पिज्जा अच्छा लगता है। अरे क्या बात है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, आज हम लोग पिज्जा खाने जाएंगे इसके बाद। आप फिल्म में काम करने जा रहे हो, आपके दोस्त तो रहेंगे वहां पे, देखने जाएंगे शूटिंग, बताया उन लोगों ने कुछ? नहीं जाएंगे। आपको किसकी पिक्चर अच्छी लगती है, कौन से हीरो की? कल्लू। हाँ कल्लू, अच्छा कल्लू, कल्लू का कोई गाना आपको याद है? नहीं याद है, खाली देखते हो। निरुआ की पिक्चर अच्छी नहीं लगती, कौन सी थी बोलो मुझे, बहुत छोटा है क्या बोलेगा। आपको हीरोइन कौन सी पसंद है, हीरोइन जिसको छोड़ के किसी का भी नाम ले सकते हो? चलो थैंक यू बेटा, वो डायलॉग बोल दो, बोलो। डर गया है वो, डर गया है वो। कोई बात, चलिए कोई बात, आ जाओ आ जाओ आ जाओ यार, मर्द हो क्या डरते हो, आ जाओ कुश्ती लड़ोगे, कुश्ती मोहन करो। मतलब क्या कहना चाहेंगे कसम तिरंगा के, एक भोजपुरी जो है देशभक्ति फिल्म है। पहले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से प्रणाम नमस्कार, मैं हूँ घोष। हमारा फिल्म है कसम तिरंगा के, इस फिल्म के डायरेक्टर रवि भूषण जी, उनके बारे में जितना भी बोलूँ बहुत कम है। और मेरे ऑपोजिट में थे रवि किशन जी, बहुत सपोर्टिंग थे, मुझे बहुत डर लगता था कैमरे के सामने कैसे बात करूँ कैसे बैठूँ, पर बहुत सपोर्टिंग थे, नहीं बोलते थे नहीं नहीं हो जाएगा। हमारा फर्स्ट शेड्यूल कम्प्लीट हुआ राजपिपला गुजरात में, और अभी थोड़ा बाकी है।
तो किस तरह किरदार है, क्या कहना चाहेंगे कि कितना मदद करेगा आपके करियर में ये फिल्म, क्योंकि रवि किशन जैसे बड़े स्टार के साथ काम कर रही हैं आप? हाँ, रवि किशन जी भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, उनके साथ मुझे फर्स्ट टाइम फर्स्ट फिल्म में काम करने का मौका मिला, उसे बहुत कुछ सीखने का मिला। मैं उनके वाइफ बनी हूँ, तो वो आते हैं फिर देश के लिए चले जाते हैं छोड़ के, ऐसा है। आपने इससे पहले कोई फिल्म की थी? नहीं, ये मेरा फर्स्ट फिल्म है। ये पहली फिल्म है आपकी जी? क्या जान पाए आप रवि किशन के बारे में या फिल्म में बाकी जो आर्टिस्ट हैं कल्लू हैं उन लोगों के बारे में, रवि भूषण जी जो आपके डायरेक्टर हैं, इन सब के बारे में आप क्या जान पाए, लोग कैसे लोग हैं? बहुत सपोर्टिंग है, बहुत अच्छे है, बहुत हेल्प किया, कैसे बोलना, कैसे चलना, ऐसे बैठो। रवि भूषण जी बहुत मुझे बोलते थे नहीं नहीं कर पाओगे कर पाओगे, हर एक टेक होता था मुझे डर लग रहा है, ऐसे बोलते थे नहीं नहीं हो जाएगा कोई बात नहीं, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा, बहुत मोटिवेट करते थे। अच्छा, दो दो रवि थे आपके सामने, एक रवि भूषण एक रवि किशन जी। ये रवि भूषण जी कभी डांटते वाटते थे, गुस्सा वुस्सा करते थे सेट पे? नहीं, गुस्सा नहीं करते थे, पर जब बार बार टेक होता तो थोड़ा ही होता था, पर थोड़ा चिल्लाते थे ना? अभी नहीं किया। रवि किशन जी चिल्लाते थे आंखों से, वो तो डराते हैं। नहीं, उनका आंखें बहुत खूबसूरत है, पर मुझे नहीं डराया। आपको नहीं डराया? और कुछ आप बताना चाहते हो अपने बारे में, आप कौन हो, कहाँ से आए हो और इससे पहले आप क्या करते थे? मैं कोलकाता से हूँ बेसिकली, तो इधर आई हूँ मुंबई में एज अ हीरोइन बनने के लिए। इसके पहले मैं स्टडी करती थी, अभी भी कर रही हूँ बीकॉम, और मुझे पहले से बहुत म्यूज़िक का एक्टिंग का बहुत शौक है, मैं डीजे भी सीख रही हूँ। तो अभी हीरोइन बनना है, एक्टर स्ट्रगल कर रही हूँ। आप लोग को ये फिल्म बहुत अच्छा लगेगा, पसंद आएगा, तो आगे भी बहुत काम करूंगी। तो बीकॉम करके आपको बैंक में जॉब करनी चाहिए, हीरोइन कैसे बीकॉम? वो मम्मी पापा के लिए बीकॉम करना पड़ रहा है। अच्छा, आप तो खुद ही हीरोइन ही बनना चाहते थे? हाँ। आप भोजपुरी में और फिल्में करना चाहती हैं? आपका सबसे पसंदीदा आर्टिस्ट कौन है भोजपुरी में? ऐसे रवि किशन जी मुझे बहुत पसंद है, उनका स्टाइल, उनका आँखें, उनका एक्टिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है। खेसारी लाल पवन सिंह निरोगा नहीं अच्छे है? नहीं, उन लोग भी बहुत अच्छे हैं, उन लोग सब अच्छे हैं। आपको रवि किशन की, आपको कोई फिल्म देखी है आपने रवि किशन की, भोजपुरी फिल्म देखी है? जी हाँ, देखी। कौन सी देखी है? बहुत सारे देखी हो अभी नाम याद नहीं है। रवि जी की कोई फिल्म देखी है रवि भूषण जी की इससे पहले, तेरे जैसा यार, कहाँ या कोई और फिल्म आपने देखी है? भोजपुरी फिल्म आपने देखी है इससे पहले आने से पहले, जब आपको काम करना है तो भोजपुरी फिल्म देखनी चाहिए? जी, भोजपुरी फिल्म देखी हूँ, पवन जी का, खेसारी जी का, दिनेश जी का देखी हूँ। आने वाले वक्त में मौका मिला तो पवन और खेसारी के साथ काम करना चाहते हो? जी जरूर, एकदम। अच्छा, हीरोइन आपको सबसे अच्छी कौन लगती है भोजपुरी में? भोजपुरी में सब अच्छे, बहुत खूबसूरत है सब, पर मुझे पर्सनली काजल जी बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, काजल यादव? काजल लगवानी जी। आप गाना गाते हो? गाना गाते हो? नहीं, गाना नहीं। आओ गाने बोलोगे? आप अगर गा सको थोड़ा सा तो हम सबको अच्छा लगेगा। ये स्पेशल रिक्वेस्ट अखिलेश जी की आपके प्रचार फिल्म पे, कुछ गा के आप भोजपुरी में आप कुछ बोल के सुनाओ या गा के सुनाओ, कोई डायलॉग हो कुछ भी भोजपुरी में आप जो कहना चाहते हैं, बट भोजपुरी में होना चाहिए। भोजपुरी में मुझे एक ही आते है जी, का हलवा कैसन वा। अरे, और स्क्रिप्ट आए तो सब आते हैं मुझे। मैडम, आपकी फिल्म आ रही है नई जिसे आप लोग शूट भी कर रहे हो, कसम तिरंगा के, आप जरा अपने बारे में बताइए क्या किरदार आप फिल्म में निभा रहे हो? सबसे पहले तो मैं दर्शकों को अपनी पहचान बताना चाहूंगी, मैं हूँ करिश्मा मित्तल, सबको प्रणाम। और मैं कसम तिरंगा में जो है एक अहम भूमिका कर रही हूँ, जो कल्लू जी के अपोजिट कर रही हूँ, और एक बबीता का कैरेक्टर है जो बहुत ही चुलबुली कैरेक्टर है और बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है, और जिसके फादर जो होते हैं थोड़े से भ्रष्टाचारी होते हैं, और मैं उनकी बेटी हूँ और मेरा कल्लू जी से प्यार हो जाता है। कल्लू जी जो है इसमें एक दरोगा का कैरेक्टर निभा रहे हैं। अच्छा, थोड़े से भ्रष्टाचारी मतलब कितना, 10-20 हज़ार का घोटाला करते हैं? नहीं नहीं, 10-20 साल का, सॉरी, 10-20 लाख का नहीं, 10-20 करोड़ का करते हैं। अच्छा जी, तो आप फिर क्या करते हैं, आप पिताजी को सुधारने की कोशिश करती हैं, उन्हें देशभक्ति के कुछ पाठ पढ़ाती हैं या नहीं?
बिल्कुल, मैं भी उनको जो है पढ़ाना चाहती हूँ, और भी जो रवि किशन जी हैं, विराट भट जी हैं हमारे फिल्म में, कल्लू जी हैं और समर जी हैं, बहुत सारे हीरो हैं, सभी लोग जो है उनको लाइन पे लाना चाहते हैं। और देखो, मानते हैं या नहीं, या फिर आपने कल्लू जी के हाथों आपके पिताजी की पिटाई होती है? सॉरी सर, मैं पूरी फिल्म की कहानी नहीं बता सकती आपको, क्योंकि पब्लिक को जो है देखने जानी पड़ेगी इस फिल्म को, और मैं चाहती हूँ कि अच्छे उसमें जो है भीड़ में जाए और लोग देखें इस फिल्म को। बहुत ही अच्छी फिल्म बन रही है और देशभक्ति फिल्म है, और ये एक भोजपुरी में एक पहली फिल्म है जो इतने सारे स्टार्स के साथ जो है ये फिल्म आ रही है। आज तक भोजपुरी इंडस्ट्री में जो है ऐसी फिल्में नहीं आई है। अच्छा, इससे पहले जो तिरंगा आई थी मुझे याद है, राजकुमार साहब थे उसमें, नाना पाटेकर साहब थे, वो फिल्म आपने भी देखी होगी, हमने भी देखी है। आपको लगता है उस कहानी का, इस कहानी का कुछ लेना देना है? जी नहीं, उसकी कहानी बिल्कुल अलग थी, और ये वो जो फिल्म जो है हिंदी बेस पे बनी थी, और वो हिंदी में जो है आज भी बहुत बड़ी फिल्म है। जब भी टीवी चैनल पे जो है, कभी भी किसी भी चैनल पे जब वो फिल्म आती है तो मैं देखती हूँ, सारी पब्लिक देखती है। और ये जो कसम तिरंगा की जो फिल्म बन रही है, ये जो है भोजपुरी इंडस्ट्री में ये उसी तिरंगा के जैसे जो है बहुत बड़ी फिल्म बन रही है। इसको भी जब पब्लिक देखेगी तो बार बार देखना चाहेगी। आप कुछ गाना सुनाना चाहते हैं करिश्मा जी हम लोगों को? गाना तो देखिए, म्यूजिक भी पीछे बज रहा है। गाना तो बिल्कुल, मैं सिंगर तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं गाना ओढ़िनी से मार दे वेलू, कई संदुलार दे वेलू, कर लो बड़ाई जब तू। सॉरी, मुझे गाना नहीं आता। ये हमारी पहली फिल्म का गाना है, तेरे जैसा यार कहाँ, जो मैं पवन जी के अपोजिट जिसमें मैंने काम किया था, लेकिन गाना चूँकि उसमें गाना जो है मुझे याद नहीं है। उस फिल्म का गाना है, काफ़ी 1.5 साल हो गया इस फिल्म को बने। अगली बार हम लोग जब मिलेंगे तो पूरा गाना ज़रूर सुनेंगे आपसे। मैं भोजपुरी का सिंगर हूँ और अभी फ़िलहाल एल्बम कर रहा हूँ वेब कैसेट से। अभी मेरे बहुत सारे एल्बम आए हैं वेब कैसेट से, जो कि मार्केट में चल रहे हैं, सुन रहे हैं लोग, पसंद कर रहे हैं, और जो भी हो सब आप लोग का दिन आशीर्वाद है। आपकी फिल्म आ रही कसम तिरंगा पे, कुछ बताइए। कसम तिरंगा की ये मेरा एक तरह से कहा जाए तो ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो कि बहुत अपने आप को मैं खुशनसीब मानता हूँ और लकी मानता हूँ कि रवि भैया ने मुझे मौका दिया, और इतना बड़ा पायदान पे मुझे जो मौका मिल रहा है उसके लिए मैं उनका दिल से आभारी हूँ, दिल से थैंक्स बोलना चाहूँगा, धन्यवाद कहना चाहूँगा, जो इस तरह से प्यार और विश्वास हम पे उन्होंने किया, जो इतना बड़ा मौका हमें दिया। क्या किरदार है आपका फिल्म का? किरदार जो कहते हैं कि चुलबुला सा, उसमें हमारा एक रोल है, चुलबुला सा है, सीरियसपन है, चुलबुला सा रोल है, जो कि पब्लिक को बहुत अच्छा लगेगा। एक अलग सा इंडस्ट्री में, एक अलग सा लुक लेके, अलग सा परफॉर्मेंस लेके मैं इंडस्ट्री में आ रहा हूँ, और कोशिश यही है कि सबको दिल को मैं भाऊँ और सबको मैं इम्प्रेस कर सकूँ, दिल में जगह बना सकूँ आप सबके। आप गोविंदा के फैन हो? यस। मुझे कैसे पता सर? अब आप लोग आप गाना सुनाते हैं, आप गाना बहुत अच्छे गाते हैं, जरा गाना सुनाइए। जी, मैंने समाज में, भोजपुरी में कुछ अच्छे अच्छे सामाजिक गीत भी गाए हैं। एक फिलहाल मेरा गीत आया था कि दुनिया में ऐसन कहा सबके नसीब बा, ऐसन कहा सबके नसीब बा, अकेहू के हुआ अपने पिया के करीब बा, कि केहू के ना अच्छा लगे कीर्तन भजनिया, खूबे भीड़ लागे जहवा नचले नचनिया, पापी खूब बढ़त बड़े धर्मी गरीब बा, पापी खूब बढ़त बड़े धर्मी गरीब बा, अकेहू के हुआ अपने पिया के करीब बा। बहुत ही बेहतरीन आपने। थैंक यू। बताना चाहता था आप सभी को कि हमारे जो मित्र हैं, हमारे भाई लवकुश यादव जी जो इस फिल्म के को प्रोड्यूसर हैं, उनका साथ बहुत रहा है हमारे साथ, बहुत प्यार दुलार मिलता रहा है। ये प्रोजेक्ट भी उनके साथ हम कर रहे हैं, और आगे बहुत सारे प्रोजेक्ट आपको रवि भैया के साथ और लवकुश भैया के साथ देखने को मिलेंगे। तो यही सब आपसे कहना था, और मैं भोजपुरी जनता से यही हाथ जोड़ के
विनती करता हूँ, हम भोजपुरी में बोलल चाहम भैया कि एगो कलाकार खातिर श्रोता ही भगवान होखेला। तो हम यह चाहते कि आप जे भी भोजपुरी सुने वाला बा, बोले वाला बा, उस सभी भोजपुरी श्रोता लोग के हम हाथ जोड़ के निर्भय देवे प्रणाम करतनी और आशा न विश्वास रखतनी कि हम जौन फिल्म अभी करे जा रहा मानी कसम तिरंगा के वो में हमार करेक्टर के आप बहुत प्यार दें, दुलार दें, आशीर्वाद दें। मेरा नाम कुमार घनश्याम और इस फिल्म में मैं एक सैनिक की भूमिका निभा रहा हूँ और इस फिल्म के बारे में इतना ही कहना चाहूँगा कि ये फिल्म भोजपुरी समाज में एक हिस्टोरिकल हिसाब से, डायरेक्शन हिसाब से अगर इसे देखेंगे और मेकिंग की तरफ से अगर आप देखेंगे तो ये फिल्म जो है ब्लॉकबस्टर होगी। ब्लॉकबस्टर इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि फिल्म की जो कहानी है, जो जो पात्र हैं और इसे जो डायरेक्शन जो हमारे रघुभूषण सर जो डायरेक्ट कर रहे हैं, तो ये चीज़ जो इसका एक एक कैरेक्टर जो है अपने आप में बड़ा दमदार है, सबकी अपनी अपनी स्टोरी है। तो भोजपुरी समाज के लिए एक जो हम जिस देशभक्ति से हम चाहते हैं कि एक देश एक मैसेज मिले पूरे यूपी बिहार में, तो एक बहुत अच्छी पहल है, नए स्टोरी के साथ नई चीज़ है और हमारे जो डायरेक्टर हैं रघुभूषण सर उनके बारे में उनकी मेकिंग के लिए उनको सब जानते हैं कि वो मेकिंग जब करते हैं फिल्म का तो कुछ ना कुछ एक डिफरेंट मैसेज होता है। तो ये फिल्म हम लोग के लिए भी काफ़ी एक बड़े सौभाग्य की बात है कि इस फिल्म से हमें जुड़ने की एक मौका मिला है और ये फिल्म सुपर डुपर हिट है, ब्लॉकबस्टर होगी और सभी देशवासियों को एक अपने देश के प्रति एक बहुत बढ़िया मैसेज मिलेगा ताकि हम और उनको एक देश इस फिल्म से देश देश की कैसी सेवा करना चाहिए बहुत सारे मुद्दों पे हैं और फिल्म बहुत अच्छी फिल्म है। थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम। ये जो फिल्म हम शूट कर रहे थे 15 दिन शूट भी की गई हुई, ज़रा बताइए आप क्या रोल कर रहे थे इस फिल्म के अंदर? मैं एक खलनायक की भूमिका कर रहा हूँ जिस करेक्टर का नाम है मस्तान और ये एक तरह का डकैत होता है, जैसे वीरप्पन था जंगल के अंदर जा कर के जो तस्करी वगैरह करता है उस तरह का करेक्टर था। फिल्म में भोजपुरी के बड़े स्टार्स थे, रवि किशन जी थे और नहीं, लोगों के साथ काम करने का अच्छा ही एक्सपीरियंस रहा है मेरा और वैसे भी रवि किशन जी के साथ तो मैंने कई फिल्में भी की हैं, कल्लू के साथ पहली फिल्म थी मेरी, अच्छा ही रहा। और फिल्म के जो डायरेक्टर हैं रवि भूषण जी, वो कहा जाता है कि वो अलग किस्म की फिल्में बनाते हैं, एक डर्रे जैसी फिल्में नहीं बनाते हैं, मुझे ये बात उनके बारे में कही जाती है, आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? आपने तो काम किया उनके साथ अभी इस फिल्म में, इस फिल्म में भी किया और मैं उनको बहुत पहले से भी जानता हूँ। रवि जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक वो हिंदी फिल्म कर रहे थे उसमें वो एसोसिएट में थे टाटा, जिसमें धर्म जी थे, शिशिर मिश्रा जी की फिल्म थी उसमें भी मैं ही था। लेकिन ये जो आपने भी पूछा मुझसे कि लोग कहते हैं कि एक अलग तरीके की फिल्म करते हैं हमेशा, बिल्कुल सही है, ये सब्जेक्ट वैसा ही है, एकदम अलग है। भोजपुरी सिनेमा में एक अलग ही सब्जेक्ट लिखा है उन्होंने, ऐसी फिल्म मेरे हिसाब से आज तक नहीं आई होगी। बहुत कुछ कहानी के बारे में रवि जी ने बताया, आर्ट्स ने बताया, आप क्या बताते हैं अगर एक लाइन में मैं आपसे पूछूं सर कि क्या कहानी है कसम तिरंगा के, तो आप क्या बताएंगे मुझे? सर मेरे बताने से तो बेहतर होगा कि लोग फिल्म को देखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन कहानी अच्छी है मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी है। बहुत सारी हिंदी फिल्में, बहुत सारे बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम किया आपने, अब आप और एक भोजपुरी फिल्म भी आप कर रहे हैं, मुझे पता नहीं इससे पहले आपने की या नहीं की। भोजपुरी के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती है, कोई कहता है वल्गर होता है भोजपुरी सिनेमा, कोई कहता है छोटे बच्चे की फिल्में होती हैं, आप कुछ कह रहे हैं, आप क्या इन बातों से इत्तेफाक रखते हैं या आपकी राय पूरी अलग है? नहीं सर, मेरी राय पूरी अलग है। देखिए सिनेमा सिनेमा ही होता है, कोई भी लैंग्वेज हो, भोजपुरी हो, गुजराती हो, मराठी हो, सिनेमा तो सिनेमा ही है। और रही बात भोजपुरी का जो नज़रिया है लोगों का देखने का, वो ठीक है उनके हिसाब से क्या सोचते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैं सोचता हूँ ये मेकिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ बना रहे हैं, उसको पब्लिक तक आप कैसे पहुँचा रहे हैं।
हम और आप ओपिनियन देने वाले तो होते नहीं हैं। और रही बात मेरी पर्सनल, तो इसके पहले भी मैंने भोजपुरी फिल्में की हैं, करीब करीब 30-40 फिल्में की हैं। मैंने वीनस की माई के पिटवा की थी, प्रीतिया त्योहार की थी, टीनू वर्मा जी के साथ पंडित की थी, मनोज जी के साथ तू हमारा हो की थी। फिल्में मैंने भी काफ़ी की हैं, लेकिन क्या होता है कि सर्टेन एक गैप हो जाता है। तो हम हिंदी भी करते हैं, भोजपुरी भी करते हैं, हमारे लिए तो सारा सिनेमा बराबर है। भाषा के बहुत ज़्यादा मायने होते नहीं है कलाकार के लिए, बस इसे सिर्फ काम करते रहना चाहिए। सिर्फ काम करिए, काम से काम। थैंक यू सर।